हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आमिर लियाकत अपने भी शर्मे से बाज ना आए और अपनी साबका बीवी बुशरा बीवी को सोशल मीडिया पर सबके सामने ऐसा क्या कह दिया जिसको सुनकर आवाम भड़क उठी है। और आपको बताएंगे तमाम तफसीलात इस वीडियो में। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आमिर लियाकत को कंट्रोवर्सी प्रिंस भी कहते हैं, क्योंकि आए दिन आमिर लियाकत कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से लोग इन्हें तनकीद का निशाना बनाते हैं और इनकी हर पोस्ट के नीचे बहुत ही बुरे बुरे कमेंट्स करते हैं। आमिर लियाकत किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं और ना ही उनको इस बात से फर्क पड़ता है कि लोग इनके बारे में क्या कह रहे हैं, बल्कि यही कहते हुए दिखाई देते हैं कि दिल जलो और जलो। आमिर लियाकत ये सब हरकतें जानबूझकर करते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हर जगह पे आमिर लियाकत की ही पब्लिसिटी हो। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं आपको बताते चलूँ कि हाल ही में आमिर लियाकत ने ऐसी हरकत कर दी है जिसपे आवाम इन्हें बहुत ज्यादा भड़क उठी और बहुत ही बुरे बुरे कमेंट्स करके आमिर लियाकत को लानतान कर रही है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आमिर लियाकत बहुत ही कम उम्र की लड़कियों से शादी करते हैं। पहले तो इन्होंने सैयदा तूबा से शादी की, उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की उम्र 18 साल लड़की के साथ दानिया शाह के साथ शादी करके तमाम तर लोगों को हैरान कर दिया। आमिर लियाकत सोशल मीडिया पे तो बहुत ही ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड नजर आते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी कम उम्र लड़की के साथ शादी कर ली है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज्यादा आमिर लियाकत के लिए इंसल्ट की बात यह है कि किसी भी चैनल ने आमिर लियाकत को होस्ट मुंतखब नहीं किया है, ना ही आमिर लियाकत को किसी ने बुलाया है और ना ही रमजान ट्रांसमिशन के लिए किसी ने भी आमिर लियाकत को ऑफर की है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर साल ही आमिर लियाकत हमें एक्सप्रेस टीवी पर, जियो टीवी पर या एयरवे टीवी पर रमजान ट्रांसमिशन करते हुए दिखाई देते थे। लोग इनके शो को इतने ज्यादा शौक से देखते थे कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती थी कि आमिर लियाकत का शो देखा जाए, और लोग काफी ज्यादा एंटरटेन होते थे और वो बहुत ही मजबाना तरीके से बात करते थे और उनकी गुफ्तगु लोगों के दिलों में घर कर जाती थी। लेकिन आमिर लियाकत की ऐसी हरकतों को देखते हुए किसी भी चैनल ने इस बात को जरूरी नहीं समझा कि आमिर लियाकत को फिर से रमजान ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाया जाए। आमिर लियाकत ने सबसे पहले तो अपने बच्चों को ठुकराया और दूसरी शादी की थी, और उसके बाद अब उन्होंने तीसरी शादी कर दी है। उनकी औलाद अब इनसे मिलती भी नहीं है और अपने बाबा का नाम तक ही नहीं लेती है। दोस्तों, यहाँ पे अहम बात यह है कि जो अवाम इनसे पहले इतनी ज्यादा मोहब्बत करती थी, इनकी इतनी ज्यादा इज्जत करती थी, आज वही अवाम इनसे नफरत करती है और इन्हें गालियाँ देती है। आमिर लियाकत को अब जाके इस बात का एहसास हुआ है कि बुशरा बीबी कितना कीमती हीरा थी कि जिसको आमिर लियाकत ने खो दिया है। अब आमिर लियाकत कभी किसी न किसी शो पे बुशरा बीबी की तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं और कभी अपने बच्चों की तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। एक दफ़ा तो इंटरव्यू के दौरान आमिर लियाकत ने यह भी कहा कि बुशरा बीबी बहुत ही ज्यादा मजहबी खातून है और बहुत ही अच्छी हैं और इज्जत के लायक हैं, जिस पे बस तमाम तर लोगों का यही कहना था कि वो इतनी अच्छी हैं, इतनी इज्जत के लायक हैं, तो आपने उन्हें क्यों छोड़ दिया। पर अब जब बुशरा बीबी रमजान ट्रांसमिशन करने जा रही हैं, जिसको सुनकर आमिर लियाकत ने उन्हें मुबारकबाद दी और उनको कहा कि कंग्रेचुलेट बुशरा ऑन हर अपकमिंग रमजान ट्रांसमिशन। आमिर लियाकत इस वक्त काफी ज्यादा दुखी भी है क्योंकि इस वक्त उन्हें किसी भी रमजान ट्रांसमिशन का हिस्सा नहीं बनाया गया है, बल्कि उनकी पहली बीवी जिसको वो तलाक दे चुके हैं वो अब ट्रांसमिशन करने जा रही हैं रमजान में एक बहुत ही बड़े चैनल पे। अल्लाह ताला ने वो बुलंदियां अता कर रही हैं जो कभी आमिर लियाकत के पास थी। तो दोस्तों, इज्जत और जिल्लत देने वाली जात अल्लाह ताला की है और वो बेशक बेहतरीन इंसाफ करने वाले हैं। तो इस सब के बारे में आप सबकी क्या राय है कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।